मेजोरिटी एक और बच्ची की है यहाँ पे बेबी का। पूजा भट्ट ने जिया शंकर को लेकर खो दिया अपना आपा, जिसके बाद पूजा भट्ट और जिया शंकर के बीच देखने को मिला घमासान। जिया शंकर और पूजा भट्ट की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई है, जिसके बाद पूजा भट्ट को जिया शंकर ने इंसल्ट भी किया है। पूजा भट्ट और जिया शंकर के बारे में आप लोग शुरू से जानते हैं कि पूजा भट्ट जिया शंकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो जिया शंकर को लेकर अपनी ओपिनियन ज़रूर रखती हैं। दोनों के बीच की जो खटास है वो डे वन से देखने को मिल रही है, और अब दोनों के बीच जो लड़ाई हुई है इससे ये बात साफ हो गई है कि पूजा और जिया एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। पूजा भट्ट और जिया शंकर के बीच जो लड़ाई झगड़ा देखने को मिला, उसके बाद पूजा ने ना सिर्फ अपना आपा खोया बल्कि जिया शंकर को उनकी औकात भी याद दिलाई, बल्कि उसे स्लो पॉइजन तक कह डाला है। वहीं जिया ने भी पूजा भट्ट को करारा जवाब दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूजा भट्ट और जिया शंकर के बीच तू-तू मैं-मैं स्टार्ट हो गई। दरअसल घर में एक स्पॉन्सर टास्क हुआ। पूजा भट्ट रो रही फलकनाश को समझा रही थी। उन्होंने फलक को समझाते हुए कहा, जिया की दोस्ती हर हफ्ते बदलती है। पहले वो दोस्त बनाती है, फिर नॉमिनेट करती है और लास्ट में झगड़ा करके बेबी फेस बना लेती है। इतना ही नहीं, पूजा ने अविनाश, सचदेव, फलकनाश और जाट हदीज के सामने कहा कि जिया सबका इस्तेमाल कर रही है। पूजा ने बातों बातों में जिया को धोखेबाज कहा और इसके साथ ही डिमांड्स करने वाली लड़की तक कह डाला। जिया शंकर को जब ये बात पता चली कि पूजा उनके बारे में क्या बातें कर रही है, वो काफी भड़क गई। उन्होंने पूजा भट्ट को इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जिया शंकर ने पूजा भट्ट को खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। जिया शंकर और पूजा भट्ट की तू-तू मैं-मैं इतनी ज्यादा हो गई कि घर के माहौल में गर्मी आने स्टार्ट हो गई। पूजा ने जिया शंकर को कहा, शट अप, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती हो। तुम फलक के साथ गेम खेलो और फिर तुम अपना अच्छा साइड दिखाओ। अभिषेक के साथ अच्छी बनो और फिर उसे गाली दो। तुम सबको भड़काती हो, जहां पर जाती हो जहर फैलाती हो। तुम लड़की नहीं, स्लो पॉइजन हो। पूजा भट्ट और जिया शंकर के बीच ऐसी ही लड़ाई देखने को मिली, जिसके बाद पूजा और जिया का रिश्ता और भी ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि पूजा भट्ट और जिया शंकर के बीच झगड़ा कोई नई बात नहीं है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे पर तंज कसती ही रहती है। पूजा भट्ट ने स्टार्ट में ही कह दिया था कि जिया पर वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है। अब जब दोनों का झगड़ा इतना खुलकर सामने आ चुका है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर का माहौल खराब होता नजर आ रहा है। वेल, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। घर में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के होते ही घर का माहौल एक बार फिर से बिगड़ना शुरू हो चुका है, और ऐसे में जिया शंकर और पूजा भट्ट का जो झगड़ा है वो खुले में आ चुका है। वैसे आपको बता दें कि वीकेंड का वार से पहले घर वालों के बीच जो लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, उसके बाद तो सलमान खान के पास भी बहुत सारा कॉन्टेंट होगा इन सबको खरी खोटी सुनाने के लिए। तो आज रात के एपिसोड का सभी को है इंतजार, क्योंकि सलमान खान आने वाले हैं और देखना होगा कि घर के माहौल को लेकर सलमान खान अपनी क्या राय रखते हैं और घर वालों की किस तरीके से क्लास लगाते हैं। फिलहाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि पूजा भट्ट और जिया शंकर की ये जो गंदी लड़ाई हुई है, पूजा भट्ट ने जिस तरीके से जिया शंकर को स्लो पॉइजन तक कह डाला है, इस पर क्या राय है आपकी। जो भी आप कहना चाहते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।